अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हिनास किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। और आज हम बना रहे हैं शाही दाल, जिसके लिए हमें तीन तरह की दाल चाहिए, चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल। इन तीनों को मैंने वॉश करके एक घंटे से भिगो के रखा हुआ था और अब मैंने इनका पानी निकाल कर इनको एक तीनों को मिक्स करके एक बाउल में शामिल कर लिया है। और हमें चाहिए कटे हुए टमाटर, दही, चॉप अनियंस, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर और कुछ हमें गरम मसाला भी चाहिए। दालचीनी की स्टिक चाहिए, कड़ी पत्ता, ज़ीरा, हरी इलायची, लौंग एंड बड़ी इलायची। हमें चाहिए थोड़ा सा फ्रेश धनिया, हाफ लेमन, पुदीना, जुलियन कट अदरक, चॉप चिली एंड लेमन। ऑयल गर्म हो गया, अब हम इसमें शामिल कर लेंगे कटे हुए प्याज। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे, हमें इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। प्याज को हम लाइट गोल्डन सा करेंगे। और फुल रिटन रेसिपी में आपको इंग्रेडिएंट्स, क्वांटिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्याज का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे गरम मसाला और इन दोनों को भून लेंगे। प्याज अभी सॉफ्ट से वाइट कलर में ही आए हैं, गोल्डन ब्राउन नहीं हुए हैं, तो इसे हम मज़ीद अभी भूनेंगे। और इसमें हम शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने रख लिया है तड़का रेडी करने के लिए। और इन दोनों को अच्छे से हम भून लेंगे। इसमें शामिल करेंगे कटे हुए टमाटर और इसे भी भून लेंगे जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, हल्दी पाउडर, और इन्हें अच्छे से हम भून लेंगे। स्पाइस भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मसाला भून गया है, ऑयल और मसाला अलग हो चुका है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे पानी और इसका एक बॉयल आने का वेट करेंगे। इसको कवर करके कुक करेंगे। पानी में बॉईल आ चुका है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे दालें। हल्का सा हम इसमें चम्मच हिला देते हैं और इसको कवर करके रख देंगे जब तक ये दाल अच्छे से गल नहीं जाती और फ्लेम मीडियम पर है। दालें अच्छे से गल गई हैं, अब हम इसमें शामिल कर देंगे पुदीना। ये ऑप्शनल है, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही और इसे मज़ीद हम भून लेंगे। और एक साइड पे हम तड़का रेडी कर लेंगे, साथ साथ इसको भी भूनते जाएंगे। ऑयल गर्म हो गया और इसमें मैं शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत से लोग इसमें ड्राई रेड चिली भी ऐड करते हैं, ज़ीरा भी ऐड करते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। जैसा आपको अपने लिए दाल का तड़का रेडी करना है आप वैसे कर सकते हैं। मैं जस्ट इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ही शामिल कर रही हूँ और इसे अच्छे से फ्राई करके अब हम इसको दाल के ऊपर तड़का लगा देंगे और इसे मिक्स कर लेते हैं। और दाल रेडी है, खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। दाल को हम डिश आउट कर लेते हैं।
शाही दाल रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यह आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।